सीमा हैदर की लव स्टोरी अब सस्पेंस थ्रिलर में बदलती जा रही है। कुछ दिन पहले तक सीमा हैदर मीडिया के सामने बैठकर खूब डायलॉग मार रही थी, लेकिन यही डायलॉग सीमा हैदर और सचिन मीणा पर अब भारी पड़ गए हैं। सीमा हैदर को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब तो ये भी पता चला है कि जब सीमा हैदर ने नेपाल से भारत के लिए बस पकड़ी थी, तब उसने अपना नाम प्रीति बताया था। इस पूरे मामले में इतने पेच हैं जिन्हें कसते कसते काफी समय लग जाएगा, लेकिन अब इस पूरे मामले पर पहली बार भारत सरकार का बयान आया है। सीमा पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक है। अब इसी सीमा हैदर पर विदेश मंत्रालय ने एक जवाब दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि हमें इस मामले की जानकारी है। सीमा हैदर अदालत में पेश हुई थी, उसके बाद उसे जमानत मिल गई थी। अभी मामले की पूरी जांच की जा रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर इस घटनाक्रम पर आपको अधिक जानकारी दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय इस मामले को बारीकी से देख रहा है। ये मामला अब दो देशों के बीच का बन चुका है। अगर एक भी ऐसी जानकारी सार्वजनिक हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, तो कई मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। इसीलिए विदेश मंत्रालय अभी बयान देने में सावधानी बरत रहा है। लेकिन ये बात तो साफ हो गई है कि सीमा हैदर का मामला अब हाई लेवल तक पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि इस पूरे विवाद पर अब जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सबसे ज्यादा संभावना इसी बात की है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा। अब जैसे ही सीमा हैदर को भारत की सीमा से निकाल दिया जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान ही बताएगा कि सीमा हैदर के साथ क्या होने वाला है।